दौरे पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत बलग्यान गांव में आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस मौके पर उन्होंने पौधरोपण किया है। बताया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में सभी लोगों से व्यापक स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। बलग्यान में बताया जा रहा है कि पंचायत चौक में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पानी और पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुटना होगा। जल संकट के आह्वान को लेकर उन्होंने कहा कि सजग होकर पानी के संरक्षण और सदुपयोग करें और जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। भविष्य में भी जल संकट गहरा सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार ने आसन्न संकट से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक प्रयास शुरू कर दिए हैं। अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आने वाला कल है, जल की समस्या को लेकर आज उसकी चिंता करने के लिए कार्यक्रम में आयोजित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारी प्रदेश सरकार ने 10 तारीख से 16 तारीख तक इस सप्ताह को मनाने का निर्णय लिया, आज मैं इसी उत्तरकाशी के स्थान पर उपस्थित हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ की बहुत जागरूक दिखाई दे रही है। और ऐसे किसी जानकार ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध यदि होगा तो जल पे होगा, यानी कि आने वाला कल जो है जल के संकट के लिए कुछ भी हो सकता है। तो हमारी सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इसके लिए अभी से जागरूक है, अनेकों अभियान चला रही है। केंद्र में आपने देखा जल जीवन मिशन के माध्यम से अनेकों योजनाएं संचालित हैं, ऐसी हमारे यहाँ प्रदेश सरकार के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और ये सारा जो संस्था है उसको हमने गठित इसलिए किया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल का संरक्षण करें। आने वाले टाइम पे जो समस्या पैदा होने वाली है उसी से जनता को आज से हम जागरूक करें। हमारे सारे विभाग जिसमें फॉरेस्ट होगा, जल संस्थान होगा, जल निगम होगा, कृषि होगा, यानी कि जितने भी हमारे इस प्रकार के जो भी विभाग हैं वो मिलके पूरे इस जिले के अंदर अपना अभियान चलाएंगे। और जैसा मुझे जानकारी दी गई कि हमारे यहाँ 6 जनपद हैं, हर 6 विकास खंड हैं, हर विकास खंड में लगभग 10 गांव को चिन्हित करेंगे जिसपे वो लगातार कार्यक्रम करेंगे। जो हमारे राजस्व ग्राम हैं सभी पे कुछ ना कुछ काम होंगे। और ऐसी हमारे यहाँ जो है खंतियाँ हैं जो लगभग 33,900 डग आउट पाउंड जो है 191, चालखाल 712, चेक डैम 174, वृक्षारोपण 242 हेक्टेयर के ये सब काम होंगे। सर देखा जाए जिस तरह से